दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित श्री राम कथा अमृत के दूसरे दिन संस्थान के संचालक एवं संस्थापक आशुतोष महाराज जी की शिष्या मानस मर्मज्ञा साध्वी जयंती भारती ने बताया कि श्री रामचरित मानस के सातों कांड प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर कथा का श्रवण करने SC ST कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय सांपला, भाजपा नेता रॉबिन सांपला, जसपाल ठाकुर, कुलदीप सिंह ओब्रॉय, पूर्व डिप्टी मेयर अरविंदर कौर ओब्रॉय विशेष तौर पर मौजूद रहे। कथा की समाप्ति प्रभु की आरती से की गई। कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित भगवत प्रेमी इन आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण कर आश्चर्य से भर उठे। इस अवसर पर सुरेंद्र कौर, जगबीर बराड़, कमलजीत सिंह भाटिया, हर्ष सोंधी, अमित तलवार, राजीव दुग्गल, खेलचंद, दिनेश शर्मा, जगदीप सिंह, अशोक मल्होत्रा, लखबीर सिंह, ओंकार सिंह टिक्का, अरुण हांडा, रोहित हांडा, राकेश शर्मा, मनोज नन्ना, संजीव शर्मा, रोहित अरोड़ा, हेमंत शर्मा, अमृत गिल, डॉक्टर परीना, मेघना कौशल सहित असंख्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कथा में बढ़ चढ़ कर हाजिरी भरी। जीवन की व्यस्तता एवं भागदौड़ के पश्चात प्रभु के सानिध्य की पूर्ण प्राप्ति एवं दिव्य स्मरण हेतु उपस्थित आए हुए समस्त प्रभु भक्तों का प्रभु श्री राम की पावन कथा के इस चतुर्थ दिवस में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है। सुस्वागतम। प्रभु श्री राम की पवित्र पुनीत कथा जिसका आनंद पिछले दिन दिवस से आप ले रहे हैं, आज चतुर्थ अस्थाई का है। किस तरह असीम अजन्मा जन्म
के बंधन में बंधकर भक्तों के उद्धार के लिए, उनके नेत्रों को धन्य करने के लिए धराधाम पर अनंत बाल लीलाएं करते हुए अपने भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणाएं देते हैं। हमने ये सब कथा के माध्यम से पिछले दिनों में इस प्रसंग को जाना। कहते हैं प्रभु श्री राम जी के लिए भक्त एक उपाधि देते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुकुल में जन्म लिया है इसलिए वो रघुपति है, अर्थात अपने कुल के स्वामी है। माँ प्रेम से राघव कहती है, पर राजा तो वो है ही। महाराज दशरथ के प्रथम पुत्र हैं इसलिए वो उस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। सभी को जय श्री राम। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्तले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी कमेटी मेम्बरान के सहयोग एवं सभी भक्तों के सुप्रयासों से आपके इस क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा 5 दिवसीय कथा यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। प्रभु श्री राम कथा का आज चतुर्दिवस है। राम जो सृष्टि का आधार है, जीवन का सार है। कहते हैं कि आधार के बिना जैसे कोई वस्तु टिक नहीं सकती, ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी उस प्रभु श्री राम के बिना आधार विहीन है। तभी आज मानव समाज जो है वो पतन की कगार में गिर रहा है। अगर समाज का उत्थान चाहते हैं, अगर मानव को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो जिस तरह राम राज्य बाहर स्थापित हुआ, इसी तरह राम राज्य हर मानव के अंतर्घट में जब स्थापित हो जाएगा, तभी ये समाज सुंदर श्रेष्ठ बन पाएगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके इस क्षेत्र में प्रभु श्री राम जी की कथा को लेकर पहुंचा है इस संदेश के साथ कि आप अपने अंतर्घट में प्रभु श्री राम के तत्व को प्रकट करवाएँ, अपने जीवन को राम राज्य तुल्य बनवाएँ।